हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टोलमैन की साइन लर्निंग थियरी की आज हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट थियरी है, लर्निंग थियरीज जो है वो मैंने एक सीरीज शुरू करके एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ऑल एंड अराउंड आपकी 11 थियरीज हैं लर्निंग थियरीज, जिनमें से हर किसी एग्जाम में किसी ना किसी थियरी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको सबके बारे में अगर आप एक एक बार देख लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर टीचिंग एग्जाम्स। वो टीचिंग एग्जाम किसी भी टाइप का हो, आपको लिए ये सारी की सारी थियरीज जो है वो हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपने इनकलकेट लर्निंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ड टॉलमैन, टॉलमैन जो है उनको एक सिग्निफिकेंट वर्क जो है उनका साइकोलॉजी के फील्ड में रहा है उसके लिए वो जाने जाते हैं। 1932 की अगर बात करें तो कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग से रिलेटेड उन्होंने एक बुक लिखी थी, पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। ठीक है, ऑल दो ये नाम आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है पर्पसिव बिहेवियर या पर्पसिव लर्निंग जो है वो किसने दी, एडवर्ड टॉलमैन ने दी। तो ये वर्ड्स कई बार पूछ लिए जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल लेटेंट लर्निंग हो गया, या जो थियरीज के टाइप, जो लर्निंग के टाइप इन्होंने दिए हैं वो पूछ लिया। सो आपको जो है वो होता है ना, जैसे हमें पता है स्कीमा वर्ड देखते ही हम सबको पता है कि पियाजे ने दिया है। ठीक है, सो इस तरीके के वर्ड्स जो है आप याद रखेंगे कि लेटेंट लर्निंग की बात किसने की है, टॉलमैन ने की है। सो आपको ये सब चीजें जो है थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगर लर्निंग की बात करें तो लर्निंग जो है वो डेवलप होती है फ्रॉम बिट्स ऑफ नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज से, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट से। ठीक है, एंड हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिलेट्स टू इट, और एक ऑर्गेनिज्म कैसे उससे रिलेट करेगा, यानी आसपास की चीजें कैसी हैं, आपको कैसे साइंस मिल रहे हैं, कैसी चीजें हो रही हैं। सो वो सारी चीजें आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगी। साइन लर्निंग या साइन जेस्टाल्ट लर्निंग थियरी इसको बोला जाता है। ये जो इनका आइडिया है कि वो सब चीजों से सीख रहे हैं कि पर्टिकुलर साइंस होंगे, हमें एक आइडिया हो जाता है, कॉग्निटिव मैप्स होते हैं, वो जो आइडिया है वो किससे, थॉर्नडाइक के और हल के ऑपोजिट है। ठीक है, क्लार्क हल पूरा नाम था इनका। यानी लर्निंग, उन्होंने क्या बोला था, लर्निंग एक स्ट्रिक्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन है कि स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स होगा, बट ये क्या बोल रहे हैं, लर्निंग कॉम्बिनेशन है बाकी सब चीजों का। ठीक है, टॉलमैन ने एक टर्म दी पर्पसिव बिहेवियरिज्म। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है कि पर्पसिव बिहेवियरिज्म की टर्म किसने दी थी। सो ये टर्म जो है उन्होंने अपने सिस्टम को बोला, जो जिस साइकोलॉजी की ये बात कर रही हैं उस तरीके की साइकोलॉजिकल लर्निंग को, थियरी को इन्होंने क्या बोला, पर्पसिव बिहेवियरिज्म, क्योंकि उन्होंने एक बिहेवियरिस्ट की तरह चीजें शुरू की थी, बट बाद में उनका इंटरेस्ट जो है वो जेस्टाल्ट थियरीज में आ गया था। ही बिलीव दैट इंडिविजुअल्स डू मोर देन मियरली रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। जैसे थॉर्नडाइक ने क्या बोला था कि ऐसा रिलेशनशिप ना, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है उसको बोला था उन्होंने, उससे लर्निंग होगी, बट ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो है सिर्फ स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, ये इन्होंने बिलीव किया था। अब एक एक्सपेरिमेंट है इनकी लर्निंग से रिलेटेड, इन्होंने क्या किया, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोल रहे हैं मेज। इन्होंने बहुत सारे रैट्स के ऊपर रैट्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से मेज रनिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी जाना जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। ये मेज है, ठीक है, ये जो पैटर्न बना रखा है इन्होंने, इसमें चूहे को दौड़वाना है, यानी रनिंग। ठीक है, सो वो चीज क्या, इन्होंने मान लो यहां से हमने क्या किया, यहाँ पे एक चूहा दे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो जैसा भी है भाई, चूहा देख लीजिएगा, व्हाटएवर, आदमी ले, चूहा ही ले लीजिए, आदमी नहीं ले सकते। यहाँ पे एक चूहा है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, रिवॉर्ड रख दिया। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो रैट है ये किधर जाएगा। सो रैट ने क्या किया, ये इधर से इधर चला गया जहां पे इसको पहुंचना था। अब यहाँ पे ये पहुंचा कैसे, इसके दो एक्सप्लेनेशन है। यानी हमने क्या किया, ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट था, बी जो है वो गोल था, रैट जो है हंग्री है, बी के ऊपर वो जो है क्विकली पहुंच गया, लेकिन कैसे पहुंचा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। सो इसके दो एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलती हैं। एक एक्सप्लेनेशन क्या है कि रैट ने राइट मुड़ना सीख लिया, यानी रैट यहां से गया और यहां राइट में मुड़ गया। ठीक है, बेसिकली अगर मैं सी से स्टार्ट करूं, सो इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग चूहे को राइट मुड़ना चाहिए और वो डी पे पहुंचना चाहिए, भले ही रिवॉर्ड जो है वो बी पे या ए पे रखा हो, राइट। सो ये एक्सप्लेनेशन है एक। दूसरी एक्सप्लेनेशन टॉलमैन की एक्सप्लेनेशन है, जो कि बोलते हैं कि जो रैट है उसने अपने दिमाग में, मतलब ये जो एनवायरमेंट है आसपास का, या जो उसको सिग्नल्स मिले, या मान लो यहाँ पे खाना रख रखा है, उसको स्मेल आई, तो जो भी एनवायरमेंट था उस बेसिस पे, उसको जो साइंस मिले उस बेसिस पे, रैट ने एक कॉग्निटिव मैप अपने दिमाग में बना लिया, जिसकी वजह से वो रिवॉर्ड तक पहुंचा। तो ये दो एक्सप्लेनेशन जो है हो सकती हैं। अभी हमने बताया नहीं है कौन सी एक्सप्लेनेशन सही है, बट ये दो एक्सप्लेनेशन हो सकती है। एक तो हो सकती है कि उसने राइट मुड़ना सीख लिया है, और दूसरी हो सकती है कि उसने कॉग्निटिव मैप बना लिया है दिमाग में।
अब कोगनेटिव मैप का जो ये जो टर्म है किसने कॉइन की, टॉलमैन ने की, इसको याद रखिएगा। कोगनेटिव मैप होगा क्या, एक इंटरनल परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट की या जो फीचर्स या जो लैंडमार्क है उनकी। मतलब चूहे ने जो है चीजें देख ली और एक कोगनेटिव मैप बना लिया कि इधर से इधर जाएंगे तो इधर ये है या वरना ये है, इस टाइप से। ठीक है, सो एक कोगनेटिव मैप जो है उसके दिमाग में डेवलप हो गया। इंडिविजुअल्स एक्वायर लार्ज नंबर ऑफ क्यूज फ्रॉम एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट से भी तो बहुत सारे क्यूज मिलते हैं ना। मान लो मुझे मंदिर जाना है, ठीक है, और मंदिर या मस्जिद कुछ भी लगा लीजिए, मुझे एक जगह पे जाना है तो मुझे मैंने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया। यहां से बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, कैसे भी करके आप यहां तक पहुंच सकते हैं। सो वो जो मतलब मान लो मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन मैं जैसे जैसे चलती जाऊंगा मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया होता जाएगा ना कि अच्छा इधर ज्यादा भीड़ हो रही है या इधर जो है लोग जा रहे हैं लेके कुछ, या इधर से घंटियों की आवाज आ रही है या इधर से जो स्पीकर पे अजान की आवाज आ रही है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। उसके बेसिस पे मैं एक जो है कोगनेटिव मैप बना सकती हूँ। वही चीज यहां बोली गई है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत कुछ एक्वायर करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, सीखते हैं एनवायरमेंट से, और फिर उनकी क्या है एक्सपेक्टेंसीज जो है वो परफॉर्मेंस के लिए बिल्डअप हो जाती हैं। बाय यूजिंग दिस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल स्पेस, इंडिविजुअल जो है वो अपने गोल पे पहुंच सकता है, और शॉर्टकट्स या वेरिएबल रूट्स, ये सारी चीजें जो है वो कॉग्निटिव मैप में पॉसिबल होती हैं। So, ये तो हो गया कोगनेटिव मैप का कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारे दो एक्सप्लेनेशन थी, वो दो एक्सप्लेनेशन क्या थी कि या तो जो रैट है उसको राइट मुड़ना आ गया या फिर जो है उसने कोगनेटिव मैप बना लिया। अगर उसने कोगनेटिव मैप बनाया होगा तो मैं सी से डी से कहीं से भी भेजूं वो बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमने सी पे चूहे को रख दिया और बी पे ही रिवॉर्ड है अगेन। अब हम देखते हैं कि वो राइट मुड़ के डी पे पहुंचता है या फिर कॉग्निटिव मैप की वजह से वो डी पे या बी पे कहां पहुंचता है। ठीक है, सो अभी प्रिडिक्शन क्या होगी कि अगर वो राइट मुड़ना सीखने वाली एक्सप्लेनेशन सही है, ओके है, तो वो डी पे पहुंचेगा जाके। अगर कोगनेटिव मैप की एक्सप्लेनेशन सही है तो वो बी पे पहुंच जाएगा जहां पे रिवार्ड रखा है। सो मतलब इमेजिन कीजिए क्या आंसर रहा जो उन्होंने टेस्ट करके देखा सी से, तो ये आंसर रहा कि मोस्ट ऑफ द रैट्स जो है वो बी पे पहुंच गए, विच मींस कि एक कोगनेटिव मैप जो है चूहों ने बना रखा था जिसकी वजह से उन्होंने वो राइट मुड़ने वाली एक्सप्लेनेशन जो है हमारी वो गलत हो गई। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट आया किसका, कोगनेटिव मैप का कॉन्सेप्ट, जो साइन लर्निंग की थियरी की बात कर रहे हैं टॉलमैन की, एनवायरमेंट से उनको डिफरेंट डिफरेंट साइन मिलते हैं, चीजें दिखती हैं। अब टॉलमैन की जो थियरी है, जब उन्होंने एडवांस किया अपनी इस लर्निंग थियरी को, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसको एडवांस में एक्सप्लेन करना शुरू किया, सो कुछ एक मेन फीचर्स की बात आई। ये तीन मेन फीचर्स हैं, इनके नाम एटलीस्ट याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है जैसे मोलर थियरी किससे रिलेटेड है या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की कौन बात करता है। सो ये तीन चीजों की बात कौन करते हैं, ये टॉलमैन करते हैं। पहली है मोलर थियरी, विच मीन्स टॉलमैन क्या बोलते हैं कि जो लर्निंग की थियरी मतलब टॉलमैन की जो थियरी है वो मोलर इन नेचर है, यानी कि जो ग्रुप का बिहेवियर है वो तो रहेगा ही, मतलब ऑल्दो ग्रुप बिहेवियर किससे बना हुआ है, इंडिविजुअल बिहेवियर से, लेकिन जब हम बिहेवियर को डिफाइन करना शुरू करेंगे तो हम इंडिविजुअल की बजाय सिर्फ ग्रुप के बिहेवियर पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई पहली बात। दूसरी बात है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि सबका अपना एम होता है, यानी कि हर इंडिविजुअल का अपना एम या गोल हो सकता है जहां तक उसको पहुंचना हो और कुछ एक ऑब्स्टेकल्स पास करके पहुंचना हो, लेकिन जो ग्रुप बिहेवियर है वो हमेशा ग्रुप डायरेक्टेड रहेगा, ना कि इंडिविजुअल डायरेक्टेड। ओके, चेंजिंग बिहेवियर की जब हम बात करेंगे, सो ग्रुप बिहेवियर जो है किसी भी इंडिविजुअल का, मतलब कोई इंडिविजुअल ग्रुप में कैसा बिहेव कर रहा है वो कभी भी स्टेबल या फिक्स्ड नहीं होता, वो कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूटी में। सो ये तीन जो फीचर्स हैं इसकी थियरी के, लर्निंग थियरी के, वो आप याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने थ्री पार्ट्स ऑफ लर्निंग की भी बात की है, ऑल्दो इनसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, कभी डिटेल में ये चीजें दिखाई नहीं गई कहीं पे। सो ये तीन नाम थोड़े से देख लीजिएगा कि मीन्स एंड रिलेशनशिप, या सिग्निफिकेंट, या जो गोल ऑफ बिहेवियर हम बात कर रहे हैं, या फिर साइन ओरिजिनल फॉर एक्शन। देन इन्होंने ओवरऑल किस चीज की बात की है कि लर्निंग जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ दीज साइन जस्टॉल्स एंड देयर दीज आर कॉन्फिगर्ड इनटू कॉग्निटिव मैप्स। तो जो साइन है आसपास, जो हमें साइन मिल रहे हैं एनवायरमेंट से, उनके एक्यूमुलेशन की वजह से लर्निंग होती है, और ये जो साइंस मिले हैं इन्हीं की वजह से हम कॉग्निटिव मैप्स जो है वो बना पाते हैं। जो एनवायरमेंट का इनपुट रहेगा, इनपुट अबाउट द एनवायरमेंट, वो भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा कि एनवायरमेंट क्या इनपुट दे रहा है। देयरफॉर लर्निंग जो है वो हर एक इंडिविजुअल की हमेशा यूनिक रहेगी, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्होंने कंसीडर किया है।
तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, तो इन्होंने तीसरा जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, किसमें? रोमन कल्चर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी में, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये है इंडिपेंडेंट, मतलब जो एनवायरमेंट या जो इंडिविजुअल रहेगा, हमने पढ़े हैं ये रिसर्च में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब जैसे जो ये मेज का स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो तो जो हम स्टार्टिंग में कर देंगे मेज जहां से चूहा दौड़वाना है वही रहेगा, वो तो नहीं चेंज होने वाला, राइट। सो कुछ एक चीजें हैं जैसे मेज की पैटर्न, या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स की, कितनी बार आप चूहे को रन करवा रहे हैं, या एज स्टिमुलस, या पास्ट की ट्रेनिंग कैसी है, या फिजियोलॉजिकल स्टेट्स जो हैं, यानी कि एंडोक्राइन या ड्रग्स अगर उनको दिए गए, या न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। इंटरवीनिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, और डिपेंडेंट इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोला गया है। तो जो बिहेवियर या जो रिस्पॉन्सेज हम ऑब्जर्व करेंगे या मेजर करेंगे वो क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा? एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी हाइपोथेटिकली हम मान रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है इंटरवीनिंग वेरिएबल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें। फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाएगा ये किस किस के बीच में? इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। अगर इसकी बात करें तो जो पर्पस आपका रहेगा वो आप मेजर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं पर्पस को, लेकिन ऑब्जर्व थोड़ी ना कर सकते हैं, राइट। जो कैपेसिटीज हैं या जो नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं, सो वो सारी चीजें क्या रहेंगी? इंटरवीनिंग वेरिएबल में इंक्लूड होंगी। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है जब टाइप्स ऑफ लर्निंग की हम टोलमैन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, प्लेस लर्निंग और लेटेंट लर्निंग। ये तीन तरीके की लर्निंग की इन्होंने पहले बात की थी, तो इनके नाम याद रख लीजिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी लर्निंग की बात की गई है, तो जब मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो उन्होंने 6 तरीके की लर्निंग की बात की है, वो हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जो रेट, जो मतलब जो लेटेंट लर्निंग है, मतलब रिवॉर्ड की एब्सेंस में भी आप कुछ सीख रहे हैं। लर्निंग दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्वियस रिवॉर्ड, मतलब आपको रिवॉर्ड मिले नहीं मिलेगा, मतलब एब्सेंस है, ठीक है। सो वो एब्सेंस के बावजूद आपकी लर्निंग हो रही है, आप सीख रहे हैं, ठीक है। सो ये रहेगा लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट। ये तीन वर्ड आप याद रखिएगा, 6 टाइप की जो लर्निंग है, जो मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है टोलमैन का, उसमें ये 6 तरीके की लर्निंग है। ये नाम आपको याद रखने हैं, इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग बाय कैथेक्सिस, ये XIS भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। लर्नर्स have the ability to associate specific objects or idea with a particular drive. अब वो drive negative भी हो सकती है, positive भी हो सकती है। For example, एक employee है, उसने क्या choose किया कि एक online training का course है, मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, जो कि मुझे किस में help करेगा? Promotion में। तो उन्होंने online course को promotion से connect कर दिया। यानी learners के पास एक ability होती है कि वो specific object या idea को एक particular drive से, मतलब drive क्या थी कि उसको promotion चाहिए, so वो उस drive की वजह से उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग को उससे एसोसिएट कर दिया, तो जिसकी वजह से उसकी क्या हो रही है, वो नई चीजें सीख रहा है, लर्निंग। तो ये पॉजिटिव कैथेक्सिस हो गया। अगर नेगेटिवली कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव कैथेक्सिस हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि लर्निंग बाय कैथेक्सिस की बात किसने की है? टोलमैन ने की है। और इसका मतलब क्या है? जब आप लर्निंग को स्पेसिफिक, मतलब लर्निंग जो है, लर्निंग लर्नर की जो एबिलिटी है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आइडिया को एक ड्राइव के साथ एसोसिएट करने की, वो क्या रहेगी? लर्निंग बाय कैथेक्सिस। दूसरी है इक्विवेलेंस बिलीफ, यानी कि आपकी जो एक तो पर्टिकुलर गोल होगा, आपका एंड गोल, यानी मान लो आपको जो है एग्जाम में टॉप करना है, ठीक है, आप जो है 10th क्लास में और आपको एग्जाम में टॉप करना है। अब आपने क्या किया, जब यूनिट टेस्ट हो रहे थे या जो क्लास टेस्ट हो रहे थे बीच बीच में, या टीचर जो असेसमेंट कर रहा था, आपने हर टेस्ट में क्या किया? बेस्ट परफॉर्म किया। बेसिकली आपने यही सोचा ना कि आपका इक्विवेलेंस बिलीव था कि अगर मैं इन टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करता हूं या अच्छे मार्क्स लेके आता हूं, टॉप करता हूं, करती हूं, तो वो यहां पे भी दूसरे वाला जो एंड गोल है उसकी, मतलब उसमें भी क्या हो जाएगा? टॉप कर जाऊंगा। सो इन्होंने क्या किया, एक इक्विवेलेंस बिलीव जो है वो क्रिएट हो गया कि अगर यहां पर, मतलब जो ये सब गोल है देखा जाए तो वो भी उनकी तरफ भी वो उतना ही अट्रैक्टिव हो गया जितना कि वो किसी पर्टिकुलर जो एंड गोल था उसमें अट्रैक्टिव था, ठीक है। नहीं समझ आया हो तो बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी। ये क्या है, ये सब, ये यही बताता है इक्विवेलेंट बिलीफ का कॉन्सेप्ट, ये जो लर्निंग है, दैट दीज आर द सब गोल्स लीडिंग टू मेजर वंस, इट अक्वायर सिमिलर अट्रैक्टिवनेस एज द एंड गोल। यानी आपकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो सिमिलर है
जो एंड गोल के प्रति होनी चाहिए, मतलब आपको तो फाइनल एग्जाम में टॉप करना था ना, लेकिन जो आपकी जो बीच में यूनिट टेस्ट हो रहे हैं आप उनमें भी टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो चीज क्या होगी कि आपके सब गोल्स के प्रति भी आपकी उतनी ही अट्रैक्टिवनेस है, सो वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस बिलीफ हो गया, कि आप इक्वल बिलीफ रख के चल रहे हैं दोनों चीजों में, गोल में भी और सब गोल में भी। फिर आता है फील्ड एक्सपेक्टेंसी, जो लर्नर्स हैं वो डिस्कवर करते हैं दैट एक पर्टिकुलर सर्टेन एक्शन जो है दैट विल लीड टू स्पेसिफिक आउटकम, और उसकी वजह से वहां पे क्या है कॉग्निटिव मैप्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं फील्ड एक्सपेक्टेंसी की वजह से। सो जो फील्ड एक्सपेक्टेंसी है वो भी एक टाइप ऑफ लर्निंग हो गया, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन चीजों से, या आपका क्या जो है किस तरीके के कॉग्निटिव मैप्स आपके बन रहे हैं, तो वो रहेगा फील्ड एक्सपेक्टेंसीज। फील्ड कॉग्निशन मोड्स, फील्ड कॉग्निशन मोड मतलब जो आपके परसेप्शन है, मेमोरीज है, या जो चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो एनवायरमेंट है आपका, फील्ड जो आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो भी क्या करेगा आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा। सो जो परसेप्शन, मेमोरीज, इन्फ्रेंसेज, फंक्शन इन्फ्लुएंसेज द लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल, सो जब ये तरीके की चीजें उस लर्निंग को अफेक्ट करें तो फील्ड कॉग्निशन मोड जो है वो फोर्थ टाइप ऑफ लर्निंग रहेगा। एक रहेगा ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपको आपकी किसी भी पर्टिकुलर चीज के बीच में, या जो आपकी सीखने आपने आपकी जो लर्निंग है वो पर्टिकुलर दो चीजों के बीच में आपको डिस्क्रिमिनेट करना सिखा रही है, ठीक है, यानी कि इट इज द लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कॉम्पीटिंग और मोर रिफाइंड ड्राइव्स, कि आप जो है दो चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, वो क्या रहेगा ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। मोटर पैटर्न्स मतलब इट इज द लर्निंग एंड रिफाइनमेंट ऑफ सेंसरी मोटर स्किल्स, जब आप अपनी जो फिजिकल मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल्स के ऊपर आप काम करेंगे, उनकी रिफाइनमेंट जब आप कर रहे हैं तो वो जो लर्निंग रहेगी वो क्या रहेगी मोटर पैटर्न्स के अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। तो ये छह तरीके की लर्निंग की बात की है टोलमैन ने, आपको नाम याद रखने हैं इनके, डायरेक्ट नाम से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और अगर आपकी थियरी एग्जाम आप दे रहे हैं वहां पे ये थियरी मेंशन है, सो वहां पे भी आप अच्छे से इसको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करके आएंगे, पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपकी एक्सप्लेन होनी चाहिए। कई बार होता है कि मान लो आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आप सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मान लो 2 या 3 मार्क्स में भी आपका ये क्वेश्चन आ गया, उस टाइम पे भी आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब टीचर को लगना चाहिए ना कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सो आपने 4 जितनी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी हैं तो वो 3 तो आपको फुल मार्क्स दे ही दे, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, ये थोड़ा सा कंक्लूजन है, मतलब मैंने वापस से एक कंक्लूजन बनाया था वो देख लीजिए, कॉग्निटिव मैप की टर्म को इन्होंने कॉइन किया, थॉर्नडाइक और हल के ऑपोजिट चलते हैं, प्लेस लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, ये जो 3 चीजें हैं ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये जो 6 चीजें हैं ये नया कॉन्सेप्ट है, 6 टाइप ऑफ लर्निंग, मेन फीचर स्मॉलर थियरी, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और चेंजिंग बिहेवियर रहेगा, 3 क्लास ऑफ वेरिएबल्स हैं, इन्होंने इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, सो ये मोटी मोटी चीजें हैं, एटलीस्ट इतनी तो आप जो है छोटे से छोटे क्वेश्चन में इनको मेंशन करके आएंगे। एक जो पर्पज बिहेवियरिज्म की हमने बात की थी वो भी लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया आज का टोलमैन का कॉन्सेप्ट, कुछ समझ नहीं आया हो टोलमैन की थियरी से सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ गया और हेल्पफुल रहा लेक्चर, कुछ गड़बड़ लगी हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।